हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इक्विलिब्रियम यूनिट का रोलर एंड हिंज सपोर्टेड बीम ये टॉपिक हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम ये टॉपिक का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे न्यू चैनल को विजिट करिए जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स स्टडी के लिए बनाया है। हमारे न्यू चैनल का नाम है टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स और ये चैनल का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें रोलर एंड हिंज सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट्स ए एंड बी फॉर द बीम शोन बिलो। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन लिखा था फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट्स ए एंड बी। इसका मतलब ए और बी पे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है और ये हॉरिजॉन्टल बीम में इधर एक सपोर्ट है, इधर एक सपोर्ट है, दोनों सपोर्ट के सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। लेफ्ट साइड में ये जो सपोर्ट है ये है हिंज सपोर्ट और राइट साइड में ये जो सपोर्ट है ये है रोलर सपोर्ट। और दोनों सपोर्ट का सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। वैसे ये इक्विलिब्रियम का रोलर एंड हिंज सपोर्टेड बीम का ये सेकंड प्रॉब्लम है। इसके पहले जो हमने एक प्रॉब्लम लिए थे वो आपको जरूर स्टडी कर लेना चाहिए। उसमें हमने जो टेक्निक का यूज किए थे वही टेक्निक का यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है। इसीलिए इक्विलिब्रियम का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करना होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस तीन है, तीन कंडीशंस का यूज करके आपको इक्विलिब्रियम का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। सबसे पहली कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, सेकंड कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो और थर्ड कंडीशन है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू जीरो। ये तीनों कंडीशन का यूज करके आप कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने इसके पहले कहा था कि ये सभी कंडीशन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करना है जो कि है फ्री बॉडी डायग्राम, इट मीन्स एफबीडी। जब तक आप एफबीडी नहीं बनाते तब तक आप ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज नहीं कर सकते। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम दैट इज एफबीडी बनाएंगे। तो चलो हम यहां लिख लेते हैं कि एफबीडी, बिना एफबीडी के आप सॉल्व कर नहीं सकते। तो हम लिखेंगे एफबीडी ऑफ बीम ए बी, बीम का नाम है ए बी तो हम यहां लिखेंगे एफबीडी ऑफ बीम ए बी। तो हमें ये बीम ए बी का एफबीडी ड्रॉ करना है। तो एफबीडी ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको पूरा का पूरा बीम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो हम यहां पूरा बीम जो है वो ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल बीम ए बी यहां पे दिया है तो सबसे पहले हम ये हॉरिजॉन्टल बीम यहां पे ए बी ड्रॉ कर लेंगे। एफबीडी माने क्या, तो एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम। इसका मतलब बॉडी को फ्री करना होता है सपोर्ट से, इसका मतलब जितने भी सपोर्ट्स है उनको रिमूव करना होता है। तो यहां पे कितने सपोर्ट्स है, तो यहां पे दो सपोर्ट है। देखिए इधर ये सपोर्ट है हिंज सपोर्ट और इधर ये सपोर्ट है रोलर सपोर्ट। हमें एफबीडी ड्रॉ करते समय हमेशा सपोर्ट्स को रिमूव करना होता है और रूल ये बनता है कि जब कभी भी आप हिंज सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो हिंज सपोर्ट को रिमूव करके हिंज सपोर्ट की दो रिएक्शन आप शो करेंगे एफबीडी में। उसी तरह से जब आप रोलर सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो रोलर सपोर्ट को रिमूव करके आपको उसका एक सिंगल रिएक्शन शो करना है एफबीडी में। तो चलो हम ही शो करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंज सपोर्ट के दो रिएक्शंस यहां पे शो करेंगे, लेकिन रूल ये है कि दोनों रिएक्शंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये देखिए ये हम दो रिएक्शन शो करेंगे और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसी दो रिएक्शंस ये जो आई है, रिएक्शंस का नाम क्या देना ये चॉइस आपकी है। हम यहां पे कहेंगे रिएक्शन आरएएच और यहां पे कहेंगे रिएक्शन आरएवी। आरएएच का अर्थ है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए और आरएवी का अर्थ है वर्टिकल रिएक्शन एट ए। अब यहां पे नेमिंग आप कुछ भी दो, आप चाहे तो आर वन आर टू ऐसा लिखो या आर एच आर वी ऐसा लिखो, चॉइस आपकी है, या तो हमने जैसा लिखे हैं वैसा लिखो। लेकिन ये दोनों रिएक्शन जो है वो दोनों रिएक्शंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर चाहिए, क्योंकि हिंज सपोर्ट की दो रिएक्शंस हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट होती है। और अब ये रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट को रिमूव करो, तो जैसा हमने कहा था रोलर सपोर्ट को रिमूव करके आपको एक सिंगल रिएक्शन शो करना है और रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट के सर्फेस के ऊपर जो है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये हमने शो करे और अब यहां पे डिस्टेंसेस वगैरह शो करेंगे, वन मीटर टू मीटर, ये एज इट इज शो करो, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ये देखिए ये वन मीटर टू मीटर हमने शो किए और यहां पर ये जो लोड दिया है 5 किलो न्यूटन का वो भी हम शो करेंगे, वो हमें शो करना है एज इट इज, क्योंकि उसमें
आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो लोड है इसको कहते हैं पॉइंट लोड। तो ये देखिए, ये हमने यहां पे पॉइंट लोड शो किया है 5 किलो न्यूटन का। ये हम शो करेंगे 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। और ये हम शो करने के बाद अब देखिए यहां पे ये जो ऐसा आपको ऐसा गोल आपको जो दिख रहा है वो क्या है, तो वो है कपल। वो भी हम एज इट इज शो करेंगे। यहां पे दिया है कपल, तो यहां पे हम वो एज इट इज शो करेंगे। जैसा एंटी क्लॉकवाइज दिया है वैसा ही आप शो करेंगे, उसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसको कपल कहेंगे, कपल कहो या मोमेंट कहो या टॉर्क कहो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो यहां लिखा है 25 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हम लिखेंगे 25 किलो न्यूटन मीटर। ये हमने कपल यहां पे शो किया है, कपल कहो या मोमेंट कहो, जो दिया है वो हमने ये शो किए एज इट इज। इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और अब देखिए यहां पे हमने लगभग यहां पे सभी फोर्सेस जो है वो शो किए हैं, लेकिन यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो एक बार देख लो। तो यहां पे दिया है यूडीएल। ये देखिए, ये जो दिया है, ये जो आपको ऐसा रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, और रेक्टेंगल शेप में ये ऐसा जो एरो जो आपको दिखाई दे रहे, ये क्या है, तो इसे कहते हैं यूडीएल। यूडीएल माने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये यूडीएल जो है, यहां पे यूडीएल दिया हुआ है। देखिए ये है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीन प्रकार के लोड होते हैं, एक होता है पॉइंट लोड, दूसरा होता है यूडीएल, और तीसरा होता है यूवीएल। यूडीएल माने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यूवीएल माने यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब ये लोड क्या होते हैं और ये लोड को कैसे सॉल्व करना, और इनके डिफरेंट एग्जांपल्स, इसका एक स्पेशल वीडियो हमने इसके पहले लिए थे, वो वीडियो आप जरूर देखिए। उसी के साथ साथ ये जो सपोर्ट्स है, कितने टाइप के सपोर्ट्स होते हैं और डिफरेंट सपोर्ट्स में कितने तरह की सपोर्ट रिएक्शंस एक्ट होती है, उसका भी हमने एक स्पेशल वीडियो इसके पहले लिए थे, वो भी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ फोर्स सिस्टम और फोर्सेस और इंक्लाइन फोर्सेस को डिफरेंट वे से कैसे रिजॉल्व करना, इन सभी के हमने एक स्पेशल वीडियोस अपलोड किए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। तो ये सभी वीडियोस के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के ये वीडियोस मिल जाएंगे, वो स्टडी करिए तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या दिया है, तो हमने कहा था कि ये एक यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर लोड भी कहते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम में ऐसा रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया होता है, या कभी कोई प्रॉब्लम में ऐसा कॉइल शेप में दिया होता है। अगर ऐसा कॉइल शेप में दिया है तो भी वो यूडीएल है, और ऐसा रेक्टेंगुलर शेप दिया है तो भी वो यूडीएल है। और ये यूडीएल का क्या करना है, हमें ये यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। इट मींस हमें ये लोड को, ये इस तरह के कोई लोड में ऐसा कन्वर्ट करना है। इट मींस हमें यूडीएल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो यूडीएल को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा हमने इसके पहले बताए थे कि यूडीएल माने रेक्टेंगुलर लोड, तो रेक्टेंगुलर लोड को सॉल्व करना होता है बाय यूजिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, दैट इज बेस इनटू हाइट। बस हमें वही फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करना है, वो इसीलिए क्योंकि देखिए इसका बेस देखिए कितना है, इसका बेस है 2 मीटर, और यहां पे लिखा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। 4 किलो न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब हर मीटर के ऊपर 4 किलो न्यूटन का लोड शो करना है। तो ये 2 मीटर का है, पर मीटर 4 किलो न्यूटन है, तो 2 मीटर कितना, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा यहां पे। तो बेस की जगह आपको 2 लिखना है और हाइट की जगह यहां 4 लिखना है। देखिए ये जो बेस है, ये जो रेक्टेंगल का बेस है 2 मीटर, वो हमें यहां लिखना है, और ये जो 4 किलो न्यूटन पर मीटर है, यहां पे हाइट की जगह आपको उसको लिखना है। तो ये हो गया, दैट इज 8 किलो न्यूटन का लोड। अब यहां पे ये जो हमने फार्मूला मेंशन किया है, ये फार्मूला आपको एफबीडी के साइड में मेंशन करना जरूरी नहीं है। एक्चुअली यहां पे यूडीएल को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला बिल्कुल फिट बैठता है, इसलिए हमने ये फार्मूला बताया है, जो कि बहुत ही आसान है। बेस इंटू हाइट, दैट इज 2 × 4, और हमने इसका लोड 8 किलो न्यूटन, इतना लोड हमने इसका सॉल्व कर लिया है। और ये जो है, ये एक एक्चुअली पॉइंट लोड है, और पॉइंट लोड कहीं ना कहीं आपको शो करना होता है। तो इसका लोड कहां पे शो करना, तो इसका लोड आपको बेस बाय 2 में शो करना है। ये हमने जो टाइप्स ऑफ लोडिंग का जो स्पेशल वीडियो है उसमें भी हमने ये सब चीजें बताए थे। तो यहां पे हमें इसका लोड जो है वो बेस बाय 2 में शो करना है। बेस बाय 2, बेस क्या है उसका, बेस है उसका 2 मीटर। बेस बाय 2 माने 2 बाय 2, बेस का वैल्यू यहां पर 2 लिखो। बेस बाय 2 माने 2 बाय 2, 2 बाय 2 माने 1 मीटर। इट मींस हमें 1 मीटर में शो करना है। तो जो हमने इसको कन्वर्ट किया है, इसका लोड 8 किलो न्यूटन, इतना लोड हमें यहां पे शो करना है, 1 मीटर पे शो करना है। तो चलो 1 मीटर पे हम शो करेंगे। इट मींस एट द सेंटर ऑफ बेस, बेस के बीचों बीच आपको शो करना है। ये बेस है 2 मीटर, तो ये बेस का सेंटर ले लो, और ये बेस के सेंटर में आप शो करेंगे उसका लोड। तो ये देखिए, ये हमने इसका लोड शो किए एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ बेस, बेस के बीचों बीच, और ये
लोड कितना है, तो ये 8 किलो न्यूटन का लोड है, तो उसके वजह से जो बेस है, बेस के दो पार्ट बन गए, इधर है 1 मीटर, इधर है 1 मीटर, टोटल हो गया 2 मीटर, और ये लोड कितना है, तो ये लोड है 8 किलो न्यूटन का लोड। तो देखिए पूरा एफबीडी यहां पे कंप्लीट हो चुका है। एक बार ये पूरा एफबीडी हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर से एक बार समझ लो। देखिए ये जो दिया था, ये पूरा बीम इधर ए साइड में सपोर्ट है, बी साइड में सपोर्ट है, हमें सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, हमें एफबीडी ड्रॉ करना है। तो एफबीडी ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहले बीम ड्रॉ किए। एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी को फ्री करो सपोर्ट से, जो भी सपोर्ट से उनको रिमूव करो, और सपोर्ट्स को रिमूव करके सपोर्ट्स के जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करो। तो ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है, हमने उसको रिमूव करके दो रिएक्शन शो किए। बी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है, उसको रिमूव करके हमने वहां पे सिंगल रिएक्शन शो किए। ये 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड एज इट इज शो किए। ये जो कपल दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, जो कि 25 किलो न्यूटन मीटर का है, ये हमने एज इट इज शो किए। जो डिस्टेंसेस है 1 मीटर 1 मीटर, वो भी हमने एज इट इज शो किए। और ये जो था, ये क्या है, तो इसको हमने कहा यूडीएल, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इट मीन्स ये रेक्टेंगुलर लोड है, और ऐसे लोड को आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए यूडीएल को सॉल्व करना होता है। यूडीएल को हमने सॉल्व किए बाय यूजिंग फार्मूला बेस इनटू हाइट। उसका बेस है 2 मीटर, तो हमने यहां बेस के जगह 2 लिखे, और ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर को एज अ हाइट लेंगे, तो हमने यहां लिए, तो 2 × 4 8 किलो न्यूटन का लोड हमने ये शो किए। और इसका लोड आपको बेस बाय 2 में शो करना है, इसका मतलब बेस के बीचों बीच एट द सेंटर ऑफ बेस। तो बेस उसका 2 मीटर है, बेस बाय 2 माने 2 मीटर, 2 दैट इज 2 बाय 2, तो ये हो गया 1 मीटर। इट मीन्स हमें बेस के 1 मीटर के डिस्टेंस पे शो करना है। ये देखिए बेस है 2 मीटर, तो बेस बाय 2 1 मीटर पे आया। देखिए ये बीचों बीच हमने उसका लोड शो किया है, तो इधर 1 मीटर, इधर 1 मीटर, टोटल हो गया 2 मीटर, और एफबीडी यहां पे कंप्लीट हो गया। ये प्रॉब्लम में कोई भी टाइप का इंक्लाइंड फोर्स दिया नहीं है। अगर इंक्लाइंड फोर्स दिया होता तो हमें उसको रिजॉल्व करना पड़ता था, तो फिलहाल यहां पे नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है वो एक बार याद रखो, हमें RAH, RAV और RB फाइंड आउट करना है, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शंस यही है। बस हमें ये 3 रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। अगर ये 3 रिएक्शंस फाइंड आउट हो गई तो समझ लो प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा हमने कहा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें FBD ड्रॉ करना था, तो FBD तो हमने ड्रॉ कर लिए, और ये FBD हमने ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस 1 बाय 1 अप्लाई करना है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस 3 है, तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलो फर्स्ट कंडीशन हम यहां अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन है समेशन ऑफ f(x) इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन हम यूज करेंगे, और समेशन करने का रूल है राइट साइड जाने वाले सभी फोर्सेस प्लस। अब ये समेशन ऑफ f(x) माने क्या, समेशन ऑफ f(x) माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। इसका मतलब यहां जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन करना है, और समेशन करने का रूल दैट इज राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो समेशन करने के लिए देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ एक ही है RAH, और ये RAH राइट साइड जा रहा है, तो RAH हो जाएगा प्लस में, तो हम यहां लिखेंगे RAH दैट इज प्लस में, और कोई भी फोर्स नहीं है, तो RAH हो गया 0। तो फाइनली हमने फर्स्ट कंडीशन समेशन ऑफ f(x) इक्वल्स टू 0 अप्लाई करके ये सॉल्व कर दिए। और अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन का नाम है समेशन ऑफ f(y) इक्वल्स टू 0। ये समेशन ऑफ f(y) इसका मतलब क्या, तो समेशन ऑफ f(y) मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। इसका मतलब यहां जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका हमें समेशन करना है। कितने वर्टिकल फोर्सेस है जरा काउंट करो, सभी का समेशन करो, और समेशन करके हमें यहां पे इक्वेशन में लिखना है। लेकिन समेशन करने का रूल हमने यहां पे लिखा है, समेशन करने का रूल वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को हमें प्लस लेना है। इसके पहले हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मेथड ऑफ रिजोल्यूशन के सॉल्व किए थे, वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमने यही रूल्स का यूज करके सॉल्व किए हैं। तो चलो हम यहां पे समेशन करेंगे। तो वर्टिकल फोर्सेस यहां पे कितने हैं, 4 वर्टिकल फोर्सेस है यहां पे। ये देखिए RAV एक वर्टिकल फोर्स है, 5 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन, और ये RB, चारों फोर्सेस का समेशन। तो इसमें से जो भी अपवर्ड जा रहा है उसे हमें प्लस लेना है, तो डाउनवर्ड जाने वाले माइनस। देखिए RAV अपवर्ड जा रहा है प्लस ले लेंगे, RB अपवर्ड जा रहा है प्लस ले लेंगे, तो हम यहां लिखते जाएंगे RAV प्लस RB, देन आफ्टर ये 5 किलो न्यूटन नीचे आ रहा है माइनस लेंगे, और ये 8 किलो न्यूटन नीचे आ रहा है ये भी माइनस लेंगे, तो -5 -8 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व करो तो ये हो गया RAV प्लस RB -13 इक्वल टू 0। फिलहाल ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर ए देके यहीं पे स्टॉप करो, क्योंकि इसमें दो अननोन है RAV और RB,
इसलिए ये सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, हमने एक्चुअली दो कंडीशंस यहां पे यूज कर लिए, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, ये दोनों कंडीशंस का यूज कर लिए, प्रॉब्लम कंप्लीट होने का है। अब हम थर्ड कंडीशन का यूज करेंगे, थर्ड कंडीशन का नाम है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। लेकिन मोमेंट हमेशा कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना होता है, या तो मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करो या तो मोमेंट बी पॉइंट पे अप्लाई करो, चॉइस आपकी है। तो चलो यहां भी हम मोमेंट जो है वो ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, और समेशन करने का रूल है क्लॉकवाइज जाने वाले सभी फोर्सेस प्लस। अब ये मोमेंट क्या होता है और मोमेंट कैसे अप्लाई करना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे और कैसे उसको सॉल्व करना, उनकी स्पेशल वीडियोस हमने आपको इसके पहले दिए थे, तो मोमेंट के सभी प्रॉब्लम्स आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो चलो फिलहाल हम यहां मोमेंट अप्लाई करेंगे। मोमेंट माने क्या, मोमेंट माने ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज घूमती है या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। जो फोर्स की वजह से बॉडी घूमने लगती है ऐसे फोर्स को आप मोमेंट फोर्स कहेंगे, और मोमेंट का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऐसा मोमेंट हमें अप्लाई करना है, हम फिलहाल ए पॉइंट पे मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो मोमेंट अगर आप ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, देखिए ए पॉइंट पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे हमने लिखा है समेशन ऑफ एम ए, इसका अर्थ यह है कि समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए, सभी फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट पे अप्लाई करना है। तो यहां पे चलो काउंट करते हैं कि यहां टोटल कितने फोर्सेस हैं। तो यहां टोटल ये देखिए 1 2 3 4 5 फोर्सेस है और एक कपल है, ये जो है दिया है ये कपल है या इसको मोमेंट कहो। तो यहां 5 फोर्सेस हैं, सभी फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट पे अप्लाई करना है। लेकिन मोमेंट का एक रूल है, मोमेंट का रूल ऐसा है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो, मोमेंट आप जहां अप्लाई करेंगे वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो। अभी आपने मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो जो भी फोर्सेस ए पॉइंट से पास हो रहे वो सभी फोर्सेस जीरो। तो चलो देखते हैं कितने फोर्सेस ए से पास हो रहे हैं। तो यहां पे दो फोर्सेस हैं जो ए से पास हो रहे हैं, तो दो फोर्सेस कौन से हैं, एक आर एच एक आर ए वी, ये दो फोर्सेस जो है वो ए से पास हो रहे हैं। तो ये दोनों फोर्सेस जीरो हो जाएंगे, क्योंकि देखिए आर एच आर ए वी दोनों जो है वो ए पे एक्ट हो रहे हैं, इट मीन दोनों के दोनों ए से पास हो रहे हैं। तो दोनों फोर्सेस जीरो, रिमेनिंग सभी फोर्सेस सेफ, रिमेनिंग कोई भी फोर्स ए से पास नहीं हो रहा है, बस ये दो फोर्सेस ए पे एक्ट हो रहे हैं और ये दोनों जीरो हो गए। रिमेनिंग जो फोर्सेस सेफ है वो मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। तो चलो हम रिमेनिंग सभी फोर्सेस को इक्वेशन में लेंगे, लेकिन समेशन करने का रूल है कि क्लॉकवाइज जाने वाले सभी फोर्सेस प्लस। जितने भी फोर्सेस सेफ है वो इक्वेशन में तो लेंगे, लेकिन ये सभी फोर्सेस को चेक करना पड़ेगा कि वो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलो चेक करेंगे, चेक करने का टेक्निक भी हमने इसके पहले के वीडियोस में बताए थे। मोमेंट चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा डेमो करना पड़ेगा। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जैसा आप कंपास का यूज करते हैं बिल्कुल वैसा ही यूज आप करके आप यहां पे डेमो करके चेक करेंगे कि कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। तो कंपास ये देखिए, ये दो फिंगर्स जो है वो एज अ कंपास है, ऐसा आपको मान के चलना है। मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर जो है एक फिंगर ए पे रखो यहां पे, ठीक है, और दूसरे फिंगर को वहां घुमाओ जहां पे फोर्स जा रहा है। देखिए मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर एक फिंगर हमने ए पे रखे, और अब हमें 5 किलो न्यूटन को चेक करना है, ये नीचे जा रहा है तो हम इसको चेक करेंगे कि ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो 5 किलो न्यूटन नीचे जा रहा है तो हाथ को ऐसा नीचे टर्न कराओ, देखिए हाथ को ऐसा नीचे घुमाओ, तो देखिए अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये देखिए ये 5 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज हो गया ए के रिस्पेक्ट में, तो 5 हो गया प्लस में, तो हम लिखेंगे यहां पे 5 प्लस में इनटू ए से लेके 5 तक का लेंथ 1 मीटर, ए से लेके 5 तक का लेंथ हम लिखेंगे दैट इज 1 मीटर, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला हमने बताया है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए हमने ये किए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये 8 किलोमीटर नीचे जा रहा है, अब हम इसको चेक करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चेक करने का टेक्निक वही, मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर जो है वो एक फिंगर आप ऐसा ए पे रखो, 8 किलोमीटर ऐसा नीचे जा रहा है तो हाथ को ऐसा नीचे ऐसा टर्न कराओ, हाथ को नीचे घुमाओ, तो देखो अपने हाथ का मूवमेंट देखो कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसा ये क्लॉकवाइज है। तो फाइनली 8 जो है वो भी क्लॉकवाइज, तो हम लिखेंगे 8 क्लॉकवाइज, तो 8 प्लस में इनटू ए से लेके 8 तक का डिस्टेंस, मोमेंट आपने ए पे लिया है तो ए से लेके 8 तक का डिस्टेंस देखिए 3 मीटर 1 2 3, इसलिए आया 3। देन ये कपल हम लेंगे, देखिए ये कपल ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा माइनस में आएगा 25। देखिए ये ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस में आया, अगर ये क्लॉकवाइज होता तो हमने इसको प्लस लिए होते, अभी फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको किसी के रिस्पेक्ट में चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसा डेमो करके देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज दिया है। तो जो फॉर्म में दिया है वही फॉर्म में आप लेंगे, इनटू डिस्टेंस नहीं करना, कपल में आपको इनटू डिस्टेंस नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी एक कपल है, ऑलरेडी मोमेंट है। यहां पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस में आप फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रहे हैं, ये देखिए
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, ये जो है ये ऑलरेडी किलो न्यूटन मीटर में दिया है, ये देखिए ऑलरेडी किलो न्यूटन मीटर में है, इट मीन्स ऑलरेडी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करा के दिया है, डबल से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये दिमाग में फिट करो, जब कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम में कपल आता है इस तरह का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे में आपको उसको डायरेक्ट लेना है और उसमें इनटू डिस्टेंस नहीं करना है, अगर आप इनटू डिस्टेंस करेंगे तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। तो फिलहाल हमने उसको एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हमने माइनस में ले लिए। एक और फोर्स बचा है आरबी, आरबी ऊपर जा रहा है, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर हम फिर से फिंगर जो है वो ए पे रखेंगे, आरबी ऊपर जा रहा है तो हाथ को ऐसा ऊपर घुमाओ, देखिए आरबी ऐसा ऊपर जा रहा है तो हाथ को जो है ऐसा ऊपर हमें घुमाना है और अपने हाथ के मूवमेंट को चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये जो आरबी है, आरबी ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है ए के रिस्पेक्ट में, तो आरबी हो गया माइनस में, तो हम लिखेंगे माइनस आरबी, माइनस आरबी इंटू डिस्टेंस 4, ए से लेके आरबी तक का डिस्टेंस, देखिए ए से लेके आरबी तक का पूरा डिस्टेंस 4 है और अब हम ये कैल्सियम में सॉल्व करेंगे, तो कैल्सियम में सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या आता है, तो पहले 5 है प्लस 8 इंटू 3 माइनस 25, तो ये आ गया 4, तो ये आंसर 4 है, तो बहुत ही आसानी से ये देखिए इतना आंसर 4 है, माइनस आरबी इंटू 4 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया आरबी इंटू 4 इक्वल्स टू 4, डिवाइड करेंगे तो आरबी का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 1 किलो न्यूटन, तो आरबी का वैल्यू हमें मिल गया और अब ये आरबी का वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में हम रखेंगे क्योंकि इक्वेशन नंबर ए हमारा अनसॉल्व था, इक्वेशन नंबर ए में रखने के बाद हम यहां देखिए इक्वेशन नंबर ए में हम पुट कर रहे हैं, तो आर ए भी हमें यहां फाइंड आउट करना है, तो आर ए भी प्लस आरबी माने 1 माइनस 13 इक्वल टू 0, देखिए यहां 1 माइनस 13 हो जाएगा और इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद आर ए भी माइनस 12 इक्वल टू 0, तो फाइनली हमें यहां आर ए भी का वैल्यू मिल गया, तो हम लिखेंगे आर ए भी इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। तो प्रॉब्लम में जो सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, तो सपोर्ट रिएक्शंस में आर ए एच हमें मिल गया, आर ए भी हमें मिल गया और आर बी हमें मिल गया, तो फाइनली प्रॉब्लम में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट्स ए एंड बी, इसका मतलब ए और बी पे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना था, तो देखिए ए पे सपोर्ट रिएक्शन और बी पे सपोर्ट रिएक्शन वो हमने फाइंड आउट कर लिए, बी का सपोर्ट रिएक्शन आरबी है वो हमें मिल गया 1 किलो न्यूटन और ए पे आर ए एच आर ए बी ये सपोर्ट रिएक्शन दोनों हमें यहां मिल चुके हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे आर ए एच और आर ए बी में से आर ए एच 0 है, अगर ये 0 है तो अब आपको ये दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है। इसके पहले जो हमने इक्विलिब्रियम का जो पहला प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें हिंज सपोर्ट के दोनों कंपोनेंट्स अवेलेबल थे, इट मींस दोनों में से कोई भी 0 नहीं था, ऐसे में हमने दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट किए थे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पोजीशन ऐसा हमने फाइंड आउट किए थे, लेकिन यहां पे दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट 0 है, ऐसे में आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी आप इक्विलिब्रियम का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और जब कभी भी आप हिंज सपोर्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हिंज सपोर्ट में हमेशा जो दो कंपोनेंट्स होते हैं दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकालना होता है अगर दोनों कंपोनेंट अवेलेबल है तो, और दोनों में से अगर कोई भी कंपोनेंट अगर 0 होता है तो ऐसे में आपको रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल यहां पे आर ए एच आर ए बी में से आर ए एच 0 हो गया, ऐसे में आपको ए पॉइंट पे रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आप ए पॉइंट पे रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसका उतना ही आंसर आएगा जितना आर ए भी है, बिकॉज आर ए एच 0 है, तो रिजल्टेंट जो हम निकालेंगे उसका वैल्यू आर ए भी उतना ही आएगा। तो यहां पे हम एट द लास्ट लिख सकते हैं, हम यहां लिखेंगे दैट इज रिएक्शन, रिएक्शन एट ए दैट इज आर ए इक्वल्स टू आर ए भी इक्वल्स टू 12 किलो न्यूटन, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, आर ए और आर ए भी 12 किलो न्यूटन एक ही रहेगा और आरबी का वैल्यू जो कि है 1 किलो न्यूटन, ये हम ऐसा लिख सकते हैं, वैसे आरबी हमने ऊपर लिखा हुआ है तो फिर भी हम यहां पे लिख दिए हैं आर ए और आर बी, तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये था रोलर एंड हिंज सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे, वो भी आपको स्टडी करना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम कवर करने वाले हैं ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपने अगर भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।